नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। कपास की खेती श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अलवर कई जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय मौसम में परिवर्तन के चलते कपास की फसल में कई तरह के रोग कीटों का प्रकोप हो रहा है। तो इस समय कपास की फसल में कौन कौन से रोग कीट लगते हैं और इनका नियंत्रण किस तरीके से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बांसूर के पौध संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। अभी कपास की जो समय है, इस समय में जो अभी मुख्य रूप से लग रहा है वो जीवाणु झुलसा का प्रकोप ज़्यादा होता है और पत्ती धब्बा वगैरह का रोग है जो इस तरह से दिख रहा है। रोग के अलावे दो तरह के इस समय जो कपास के गुणवत्ता को ख़राब करता है उसमें तो उसको हम लोग बोलते हैं धूसर कीट और रेड कॉटन बग। ये तीन तरह की समस्याएं मुख्य रूप से इस समय आती है। मौसम परिवर्तन के चलते कपास की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप मुख्य रूप से दिखा जा रहा है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको कपास की फसल से भारी नुकसान हो सकता है। उसमें अभी जो समस्याएं आ रही है मुख्य रूप से उसमें झुलसा, तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे शुरू से आप देख रहे हैं कि खेतों में अभी बहुत जोर से 50% मोर देन 50% झुलसा का बीमारी आ गया है और इस रोग का बढ़वार जो होता है जब बारिश नुमा समय लगातार होती है उसके बाद तापमान अधिक होता है तो इसमें झुलसा का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इसके लिए किसानों को प्रारंभिक अवस्था जब कम से कम जुलाई के लास्ट और अगस्त के प्रारंभिक अवस्था में फसल के रहे, यानी लगभग 100 दिन की अगर कपास की अवधि है तो उस समय हम किसानों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस इसके साथ हम 10 से 12 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 100 लीटर पानी में मिला करके हम इसका स्प्रे करते हैं। उसके पश्चात फिर 10 से 15 दिन में इसको हम दोबारा करते हैं एज पर उस रिक्वायरमेंट फसल की अवस्था देख करके अगर हम करते हैं। अगर रोगों के प्रकोप ज़्यादा होती है तो हम उस समय दोबारा भी इसका 10 दिन के अंतराल पर इसका कर सकते हैं। इस रोग के अलावा कपास की फसल में कई प्रकार के कीट भी दिखाई दे रहे हैं जो कि कपास की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं और ऐसी कपास का किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। उसके बाद कि जहाँ तक हमने अभी आपको बताया जो कीट अभी लगते हैं उस समय डस्टी कॉटन बग और रेड कॉटन बग, ये कपास की क्वालिटी को खराब करता है, यानी जो मार्केटिंग वैल्यू होता है इसमें उसको खराब करता है, कॉटन के कलर को फेंट कर देता है। तो इससे बचाव के लिए हम एक इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL करीब 50 से 60 ml 100 लीटर पानी में मिला करके 100 से 120 दिन की फसल अवधि से बॉल बनने के समय अगर हम स्प्रे कर दें तो हम इसका बचाव कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कपास की चमक रहेगी तो आपका मार्केट भाव जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कपास में किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर कपास की चमक नहीं रहेगी तो आपके मार्केट में जो लेने वाले ग्राहक होते हैं वो आपका कपास का भाव कम लगाएगा और मार्केट में आपका कम दाम मिलेगा, तो इससे क्या होगा आपका कुल आमदनी जो होगा वो कम हो जाएगा। अतः आप किसान भाइयों 100 से 120 दिन की फसल अवधि पे ये दोनों कीटों के लिए आप एक कीटनाशक का उपयोग करके आप इसका बचाव कर सकते हैं और अधिक से अधिक कपास से आमदनी ले सकते हैं। कृषि से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जिसे सही तरीके से अपनाकर किसान संपन्न हो सकते हैं, बस जरूरत है सही योजना बनाने की। और आज आपको मिलवाते हैं प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार पाल से, जो अपनी खाली पड़ी जमीन पर डेयरी फार्म चला रहे हैं और साथ में पशुओं से मिलने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर अच्छी आय भी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभ और उत्पादन तकनीक के बारे में खुद इन्हीं से। सर, जो ये जैविक यूनिट हमने लगाया है, क्योंकि हमारे पास ये गोबर के जो मतलब मात्रा है बहुत ज़्यादा है, तो हमको लगा कि हम कहीं ना कहीं हमको इसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमको 2 पैसे इससे लाभ हो सके। ये किसान डेयरी फार्मिंग किए हैं जिसमें लगभग 25 पशु हैं, जिनके गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं जिसका प्रयोग अपने खेती में करते हैं और बेचकर अच्छा लाभ भी कमाते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ लोगों से संपर्क किए, संपर्क करने के बाद उसके लिए टेट्राबेड जो है वो मंगाए और टेट्राबेड मंगाया और उसमें गोबर खाद डाले, फिर हमने केचू लिया, केचू लेके हमने फिर ये जैविक खाद को बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए सर, जहाँ तक जैविक यूनिट की बात की जाए तो हमारे पास करीब 8 टेट्राबेड जैविक यूनिट के लगे हुए हैं। एक टेट्राबेड में 8 क्विंटल आता है जो कि उसकी लेंथ एंड ब्रॉड लंबाई चौड़ाई करीब 8x4 की है।
सर फर्स्ट टाइम जो हमने स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग में हमारा जो बेड था करीब एक बेड की कीमत 1500 रुपये है, और जो केचू है केचू वो करीब 400 रुपये पर केजी के हिसाब से केचू हम लाए हैं। इन्होंने वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए टेट्रा बेड लिया है, जिसकी लंबाई 8 फीट, चौड़ाई 4 फीट है और गहराई 1.5 फीट है। एक टेट्रा बेड में रॉ मटेरियल 8 कुंतल डाला जाता है, जिससे 5 से 6 कुंतल वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है। उसमें जो एवरेज रॉ मटेरियल का देखा जाए तो करीब 8 क्विंटल आता है, और जो हमको तैयार माल प्राप्त होता है उसमें से करीब 5 से 6 क्विंटल प्राप्त होता है। तो और इसमें जो हमारे केचू की मात्रा है वो करीब 4 से 6 केजी पर बेड के हिसाब से हम लोग उसमें डालते हैं, और इसके तैयार होने की बात की जाए करीब 1 से 1.5 महीने के बीच में ये हमको तैयार करके जो जैविक खाद दे देते हैं केचू। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में लगने वाला समय केचुओं की संख्या पर निर्भर रहता है, जो आमतौर पर 1.5 से 2 माह में तैयार हो जाता है। यदि केचुओं की संख्या कम होती है तो समय अधिक लगता है। इसमें जो हमारा माल तैयार होता है करीब करीब एक बेड से 5 से 6 क्विंटल तैयार होता है, ठीक। तो करीब हमारे पास 8 बेड जो है करीब 35 से 40 क्विंटल तक हम तैयार करके माल यहाँ से सोनभद्र में भेज देते हैं। एक बेड से 5 से 6 कुंतल वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, और इनके पास कुल 8 बेड हैं, जिससे 35 से 40 कुंतल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन होता है, जिसकी पैकेजिंग 25 और 50 किलोग्राम के बोरे में करते हैं। उसके बाद जो सर हमारा जो तैयार होता है मटेरियल यहाँ से, वो मटेरियल हमारा यहाँ से जाता है करीब 12 से 15 रुपए केजी जो भी हिसाब से यहाँ से जाता है मटेरियल हमारा। बात की जाए तो यहाँ जो हमारा आदमी है वो आदमी भी रहता है, यहाँ वो काम करता है। सर देखिए जो यहाँ लागत लगती है करीब जो हम सेलिंग करते हैं 12 से 15 रुपए केजी जो भी सेलिंग करते हैं, उसके अलावा जो हमारी लागत लगती है करीब पर केजी के हिसाब से देखा जाए तो हमको जो बचत होती है 7 से 8 रुपए, 7 रुपए से कम ही बचत होती है। उसके बाद हमारी जो लागत पैकेजिंग हो गई या फिर लेबर चार्ज हो गया या फिर अदर्स जो केचू हो गए उसमें भी हमारी जो लागत होती है उसको काटने के बाद जो 5 से 6-7 रुपए हमारा बच जाता है सर। केचू की मात्रा बढ़ती है तो केचू को हम बनारस या सोनभद्र में जहाँ भी सेटिंग होती है हम वहाँ 400 रुपये पर केजी के हिसाब से केचू को बेच देते हैं। 1 महीने 2 महीने तक अभी हम उसको रोकते हैं केचू को, जैसे उसकी वृद्धि होती है आगामी 2 महीने बाद तो केचू को अपनी आवश्यकता अनुसार रखने के बाद अवशेष केचू को हम बाहर भेज देते हैं सोनभद्र बनारस में। 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट औसतन 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचते हैं, जिस पर 4 से 5 रुपये की लागत आती है और प्रति किलोग्राम पर लगभग 6 रुपए शुद्ध मुनाफा होता है। इस प्रकार 35 से 40 कुंतल वर्मी कंपोस्ट से इन्हें 1.5 माह में 20 से 22 हजार रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिल रहा है। अगर डिमांड की बात की जाए तो पूरी फोकस गवर्नमेंट की जो चाहे केंद्र की बात कर लीजिए या राज्य सरकार की बात कर लीजिए तो करीब हमें उम्मीद है 80% तक डिमांड जैविक खाद पर है। तो हमको ये लगता है कि हर किसी को जैविक का प्रयोग करना चाहिए और यूरिया डाई की मात्रा कम क्या करनी चाहिए, हमें संभवतः उसको जहाँ तक हो सके खत्म कर देनी चाहिए। जो हमको ये रोग होते हैं तो रोग की मात्रा कम हो जाएगी, इतने बीमार नहीं पड़ेंगे, दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी जो हमारी लागत है वो जो हमारे खर्चे हैं वो भी हमारे बच जाएंगे। तो किसान भाइयों के पास इतने जो है पैसे वो बच नहीं पाते हैं ना, तो बचाने का यही तरीका है जो कि गवर्नमेंट अच्छा खासा सहयोग करे तो हमको उसका फायदा उठाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे को भरने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है और किस तरीके से टेट्रा बैग को भरते हैं, तो सबसे पहले गड्ढे में कूड़ा कचरा 3 इंच डालते हैं, इसके बाद गोबर 3 इंच डालते हैं, गोबर डालने के बाद केचुआ डालते हैं, इसके बाद पानी का छिड़काव करते हैं। गड्ढे में नमी बनाए रखना आवश्यक होता है, इस प्रकार यह खाद लगभग 45 दिन में तैयार हो जाती है। जहाँ तक ये तैयार माल को हम झाड़ते हैं झरने पर तो जो हमारे मजदूर हैं मजदूर लगते हैं मजदूर उठा के ले जाते हैं उसको झरने पर धीरे धीरे झाड़ते हैं। जो हमारा जो तैयार माल होता है वो झरने के नीचे झड़ जाता है और बाकी जो अवशेष बचता है वो अलग हो जाता है, तो उसको पुनः उठा के हम जहाँ हमारा रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है उसमें रखवा देते हैं। तो फिर वहाँ से आगामी जो हमारा बेड खाली होता है वहाँ से लाकर फिर हम नेक्स्ट बेड में तैयार कर देते हैं और केचू डाल देते हैं, फिर आगे वो प्रोसेस चालू हो जाता है। इसकी जो एक खासियत है कि जो हमारी बेड में हमारे जो एक बार रॉ मटेरियल ये गोबर पड़ते हैं गोबर को हम एक ही बार डालते हैं, सारा गोबर पड़ने के बाद वो हम तभी उसमें से निकालते हैं जब हमारा मटेरियल वहाँ से तैयार हो जाता है। तैयार मटेरियल को निकालने के बाद जो अवशेष बचता है फिर उसको निकालने के बाद फिर पुनः हम गोबर डालते हैं, ये प्रोसेस हमको एक ही बार करना पड़ता है। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है, इसमें तीखा स्वाद होता है।
मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली के उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख है पूसा चेतकी, जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसीलिए 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपनिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा, उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कॉर्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मूली साल भर उगाई जा सकती है, फिर भी व्यावसायिक स्तर पर इसे सितंबर से जनवरी तक बोया जाता है। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाए, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुवाई की ये विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंटमिथैलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश से संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई, तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। वैसे वर्षा ऋतु की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु इस समय जल निकास पर ध्यान देना आवश्यक है। गर्मी की फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शरदकालीन फसल में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाए तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद और उर्वरक तथा अतः सस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारण तह मूली की औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है। किसान भाइयों,
इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर जिले में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। जिन खेतों में पानी भरा हुआ है वहाँ पर जल निकासी का उचित प्रबंध करें। खरीफ की फसलें जो वर्षा के कारण खराब हो चुकी हैं उनकी कटाई कर खेत खाली करें। जल भराव और अत्यधिक नमी के कारण खेत अभी चना और सरसों की बुआई के लिए तैयार नहीं है, अतः किसान चना और सरसों के उन्नत बीजों की व्यवस्था करके रखें ताकि खेतों की उपयुक्त स्थिति में आने पर बुआई प्रारंभ कर सके। बुआई के लिए अल्प विधि की किस्मों का चयन करें। चने की उन्नत किस्में दाहोद येलो प्रताप चना एवं प्रताप चना, सरसों की उन्नत किस्में आरजीएन 73 बायो 902 पूसा जय किसान आशीर्वाद आरएच 9304 वसुंधरा आरएच 9802 स्वर्ण ज्योति एवं आरएच 8812 लक्ष्मी बीजों को 2 ग्राम मैंकोजे प्रति किलो की दर से उपचारित करके बोएं। अत्यधिक वर्षा और वातावरण में नमी के कारण भुट्टों में अंकुरण की संभावना हो सकती है, अतः किसानों को सलाह है कि भुट्टों को छीलकर सूखे स्थान पर संग्रहित करें। सभी पशुओं में आंतरिक एवं बाह्य परजीवी के लिए दवा का उपयोग करें तथा पशुओं के आवास की साफ सफाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गाँव बाड़ी जिला हनुमानगढ़ के जयकर्ण ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें एक रोग है उकठा या जिसको विल्ट कहते हैं। ये फफूंद जनित रोग है और इसकी इतनी बड़ी समस्या है अमरूद उत्पादन में कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहीं कहीं तो 80% पौधे तक विल्ट या उकठा से प्रभावित हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों में पहले पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, फिर बाद में सूख जाता है और ये भी हो सकता है कि पूरा पौधा ना सूख के एक डाली सूख जाए और एक डाली हरी रहे। इसमें अंततः पूरा पौधा सूख जाएगा, ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो। लेकिन ये जो फफूंद जनित रोग है यह मुख्य रूप से पानी का शोषण रोक देता है जिससे पौधे पानी की कमी जैसा दिखाई दे के सूख जाता है। तो इसके बचने के लिए शुरू से लगाने से पहले ही ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मिट्टी को अगर गड्ढा जो खोद रहे हैं उसको 2 हफ्ता पहले खोद के उसको फार्मलिन से उपचारित कर दें गड्ढे की मिट्टी को और गड्ढे को, और पॉलीथीन सीट से ढक दें जिससे कि रोगजनक मर जाए। इसके बाद आप जब लगा दिए पौधे तो उसमें मृदा को 22:3 के 0.1% घोल से उपचारित कर दें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों, कि इसमें ट्राइकोडर्मा 25 से 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला के उसके तना और जड़ के चारों तरफ फैला के मिट्टी में मिला दें जिससे स्वतः जो है रोग कारक फंजाई को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक काम और कर सकते हैं कि ये नीम की खली 10 किलोग्राम नीम की खली को लेके उसको पेड़ के चारों तरफ तने के चारों तरफ और जड़ के एरिया में अच्छे से मिला दें जिससे कि रोग कारक का नियंत्रण किया जा सके।
हमारे जिन किसान भाइयों के अमरूद के बाग में उकठा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, तो वह रोग ग्रसित टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और पौधे के कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगा दें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास ड्रंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।